What shall I destroy next? Break the windows! Break them yourself. It's okay that you're angry. I'm angry too. And if you need to break things, by God, you break them. आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन मूवीज़ की जिन मूवीज़ के अंदर आपको जायंट मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, यानी महाकाय दानव देखने को मिलेंगे, राक्षस देखने को मिलेंगे। इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिंदी में ही अवेलेबल हैं, सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 9th मूवी है मॉन्स्टर कॉल से। मूवी आई थी 2016 में। ये एक एडवेंचर ड्रामा फैमिली मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़के की जिसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उनको एक सीरियस बीमारी है और साथ ही साथ ये अकेले रहते हैं घर के अंदर क्योंकि इसके फादर ने इसकी मदर को छोड़ दिया है। स्कूल में भी इस बच्चे को काफ़ी लोग बुली करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है। लेकिन एक दिन इसके घर के बगल में जो पार्क है वहां पे एक पेड़ जो सदियों से वहीं पर है, वो पेड़ अचानक से जिंदा हो जाता है और वो पेड़ एक बहुत बड़े जाइंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और इसके पास आता है, इसको एक कहानी सुनाता है और बोलता है कि मैं हर दिन 12:07 पे तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा और तुमसे 4th कहानी सुनूंगा। आखिर ये मॉन्स्टर क्यों कहानियां सुना रहा है और 4th कहानी ये क्यों सुनना चाहता है, इसका रहस्य क्या है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.5/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है द BFG। मूवी आई थी 2016 में। ये एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़की की जो अनाथालय में रहती है, लेकिन एक दिन इसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े जाइंट मॉन्स्टर से जो उस लड़की को अपने साथ ले जाता है अपनी जाइंट कंट्री में। वहां पे जो और लोग हैं वो लोग इंसानों को मार के खाते हैं, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता कि आखिर इंसान रहते कहाँ हैं। लेकिन इस लड़की के वहां जाते ही उन लोगों को पता लग जाता है कि आखिर इंसान कहाँ रहते हैं, जिसके बाद वो इंसानों को मारकर खाने के लिए इंसानों की दुनिया पे आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या ये लड़की और इसका वो दोस्त जाइंट मॉन्स्टर उनको रोक पाता है या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स 6.4/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी मॉन्स्टर्स डार्क कॉन्टिनेंट। ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक्शन ड्रामा हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई इराक की, जहाँ पे एलियंस ने हमला कर दिया है। वो बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की फॉर्म में आए हैं, उनसे लड़ने के लिए US आर्मी को वहाँ पे भेजा जाता है। लेकिन एलियंस किसी भी तरह पृथ्वी पे अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ऐसे में US आर्मी उनको रोक पाती है नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट मूवी है रैम्पेज। मूवी आई थी 2018 में। ये एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई 3 डिफरेंट एनिमल्स की, एक वुल्फ की, एक गोरिल्ला की और एक क्रोकोडाइल की। ये तीनों एक बहुत ही डेंजरस पैथोजन से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर इंस्टेंटली जेनेटिक मॉडिफिकेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का साइज बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, इनका आकार बहुत बढ़ने लगता है और ये बहुत ज्यादा आक्रामक भी हो जाते हैं। इससे पहले ये तीनों मिलकर पूरे शिकागो सिटी को डिस्ट्रॉय कर दें, हमारे हीरोज को इनको रोकना होगा। वो कैसे इसको रोक पाते हैं नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स 6.1/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी बिग एस स्पाइडर। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक एलियन स्पाइडर की, जो पृथ्वी का नहीं है, पृथ्वी से बाहर से आया है, जिसके ऊपर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं मिलिट्री लैब के अंदर, लेकिन वहां से किसी तरह भाग जाता है और इसका साइज बहुत ज्यादा मैसिव है, जिसकी वजह से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। एक मैसिव मिलिट्री भी इसको नहीं रोक पाती। ऐसे में हमारा हीरो और कुछ साइंटिस्ट मिलकर कैसे इसको रोक पाते या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स 5.3/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। ये मूवी आई थी 2018 में। ये एक्शन हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई अर्थ की, जहां पे एनर्जी क्राइसिस हुआ है, पृथ्वी के जितने भी रिसोर्सेज वो सब समाप्त हो गए हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पे एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पृथ्वी पर युद्ध जैसे माहौल बन गए हैं। सभी देश एक दूसरे के ऊपर हमला करके उनके नेचुरल रिसोर्सेज को पाना चाहते हैं, ताकि वो लोग एनर्जी को जनरेट कर सकें। लेकिन कुछ देश मिलकर एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाते हैं, जिसके अंदर वो लोग क्लीन एनर्जी जनरेट करेंगे। लेकिन जिस तरीके का ये लोग यूज कर रहे हैं वो तरीका बहुत खतरनाक है, ऐसा काफी लोगों ने कहा था। लेकिन फिर भी इन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है और ये लोग उस मशीन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद वो मशीन धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है, एनर्जी जनरेट करने लगती है। लेकिन अचानक से एक ब्लास्ट होता है, जिसमें शिप को तो कुछ भी नहीं होता, ना क्रू को कुछ होता है, लेकिन एक चीज गायब हो गई है और वो चीज है पृथ्वी। ये चारों तरफ देखते हैं, हर तरीके से अर्थ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी इनको अर्थ का कोई भी पता नहीं चलता। क्या अर्थ सच में गायब हो गई है, ये लोग अर्थ से बहुत ज्यादा दूर आ गए, किसी दूसरे डायमेंशन में आ गए हैं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स 5.5/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी जैक द जायंट स्लेयर। ये मूवी आई थी 2013 में। एक एडवेंचर कॉमेडी फैमिली मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है उस बीज की, जिस बीज को अगर पानी में डाल दिया जाए तो उससे एक बहुत बड़ा पेड़ निकलता है, जो सीधे दूसरी दुनिया के अंदर जाके कनेक्ट हो जाता है। और इसी तरह के एक बहुत बड़े जाइंट पेड़ की मदद से हमारे हीरो हीरोइन पहुंच गए एक ऐसी जगह पे, जहां पे बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं, दैत्य रहते हैं, जो इंसानों को मारकर खाते हैं। काफी साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था, जो मॉन्स्टर्स ऊपर रहते हैं वो धरती पे आ गए थे, लेकिन यहां के एक बहादुर राजा ने उनको यहां से खदेड़ दिया था, ऊपर भेज दिया था और उस पेड़ को काट दिया था। लेकिन फिर एक बार वो पेड़ वापस जाके उस दुनिया से, उन दैत्यों की दुनिया से जुड़ गया। अगर वहां के राक्षसों को पता लग गया कि हम पृथ्वी पे जा सकते हैं तो पृथ्वी पे क्या होगा, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स 6.2/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी मॉन्स्टर हंटर। ये मूवी आई थी 2020 में। ये एक एक्शन
एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इसी के नाम की एक गेम के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है US आर्मी के कुछ सोल्जर्स की, जो लोग एक जगह पे मिशन पे जा रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच ये लोग एक दूसरी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं चलता कि ये लोग दूसरी दुनिया में हैं। जब वहाँ पे ये बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं, बड़े बड़े राक्षसों को देखते हैं, तब जाके इनको पता लगता है कि ये पृथ्वी पे नहीं है। आखिर ये किस प्लैनेट पे हैं, किस जगह पे हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। और ये वहाँ पे कैसे पहुँचे, क्या है, कभी वहाँ से पृथ्वी पे कभी वापस आ भी पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 5.3/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी वॉर्थ ऑफ द टाइटन, ये मूवी आई थी 2012 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई पर्सियस की, जो एक डैमी गॉड है, यानी ये ज्यूस का बेटा है, जिसने एक बार पूरी पृथ्वी को एक बहुत बड़े राक्षस क्रैकन से बचाया था, जो पूरी पृथ्वी को तबाह करने के लिए आया था। लेकिन दूसरी बार फिर से पृथ्वी को इसकी जरूरत पड़ी है, क्योंकि देवताओं की शक्ति कमजोर हो रही है और एक बहुत बड़ी दीवार जो राक्षसों को रोक कर रखती थी वो अब टूट रही है। और अगर इसी तरह देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई तो वो सभी मॉन्स्टर जो उस दीवार के पीछे हैं, पाताल लोक में, वो सब बाहर आ जाएंगे। आगे क्या करता है पर्सियस, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 5.7/10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।